बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह और मैं हूं सरवत फलीम। आज के इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, जबकि इनके हमरा मौजूद होंगे सीनियर सहाफी तनवीर शहजाद साहब। आप दोनों का बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। फारूक साहब, ये तो एक कदम उठा लिया गया ना एहलकारों का, लेकिन हमने देखा है कि केपी के गवर्नमेंट की जानिब से एक अच्छा फैसला भी सामने आया है कि जो 17 ग्रेड मुलाजमीन हैं उनसे गाड़ियां वापस ले ली जाएंगी और फिर नई गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी, इजाफी अखराजात हुकूमत नहीं बर्दाश्त करेगी। बड़ा अच्छा फैसला है। तो फारूक साहब, पहले तो ये बताएं कि जो गाड़ियां 17 ग्रेड के मुलाजमीन को दी गई थी वो ऑथोराइज भी हो? देखें, इन प्रिंसिपल मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला है, हम इसकी तारीफ करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि मकसद है कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम करना और यही पैसा डाइवर्ट करना डेवलपमेंट कॉस्ट में। मुझे ये बताएं कि ग्रेड 17 ऑफिसर जो है, जिसको सेक्शन ऑफिसर के लेवल पे कहा जाता है, या ग्रेड 18 डिप्टी सेक्रेटरी, और भाई ये कहां से ऑथराइज हो गए कि इनको आप सरकारी गाड़ियां दें? फेडरल गवर्नमेंट पे मुझे पता है, वहां पे सरकारी गाड़ी दी जाती है, सरकारी स्टाफ कार दी जाती है, ग्रेड 20 एंड अबव। ग्रेड 20 यानी कि सेक्रेटरी, अब वो अपना ये जॉइंट सेक्रेटरी ऑब्लिक एडिशनल सेक्रेटरी, फिर उसके बाद आते हैं फेडरल सेक्रेटरी जो ग्रेड 20 और 21-22 में, उन लोगों को दी जाती है ये ग्रेड 7। और मुझे पता है कि पंजाब गवर्नमेंट बाकी सूबों में भी ये काम हो रहा है, तो लिहाजा ये इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और पॉलिसी क्या है, इन लियो आप उनको मोनेटाइजेशन करें जो फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है, कि ठीक है जी आपकी कार गाड़ियां विड्रॉ कर रहे हैं, मेरे ख्याल 67,000 है ग्रेड 20 के लिए, अबाउट 75 है ग्रेड 21 के लिए, 22 के लिए 90,000 प्लस है। ये फेडरल लेवल, इसको कहते हैं पॉलिसी मोनेटाइजेशन, कि आपको हम सरकारी गाड़ी नहीं देंगे, आपको हम सरकारी पेट्रोल नहीं देंगे, आपको हम ड्राइवर नहीं देंगे, भाई आपको हम ये पैसा देते हैं, आप अपनी कार खुद इस्तेमाल करें। बिल्कुल, जो मराठ दी जाती है, जो सहूलियत फराहम की जाती है उनका इस्तेमाल होना चाहिए। बड़ी अच्छी तनवीर शहजाद साहब, ये चीज है, बाकी सूबों को भी इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। माजद के साथ आपसे और फारूक साहब से एक मैं आपसे इख्तलाफ करने की जसारत करूंगा। बात यह है कि मुझे ये लगता है कि केपीके की ब्यूरोक्रेसी ये खटक साहब को, वजीर आला केपीके को एक मरतबा फिर मामू बनाने जा रही है। सूरत हाल ये है कि अभी ये फैसला हो जाएगा, पुरानी सारी गाड़ियां जो हैं ये नीलाम हो जाएंगी, उसके बाद पॉलिसी बदल दी जाएगी, फिर सबके लिए ब्रांड न्यू चमकती हुई नई गाड़ियाँ आएंगी। और इस तरह से ये प्रवेश खटक साहब तो खैर मस्कीन आदमी हैं, शहबाज शरीफ कितना सख्त आदमी है, पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया हम सेक्रेटेरिएट के अंदर एसी नहीं चलाएंगे, डिप्टी सेक्रेटरीज ने कहा हम काम ही नहीं करेंगे, उन्होंने कहा जी कि अच्छा हम चला दें एसी, लेकिन हम डिप्टी सेक्रेटरीज के लिए नहीं चला रहे, हम जो वहाँ कंप्यूटर रखे हैं उनके लिए एसी ऑन कर रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेसी बड़ी ताकतवर है, इन्होंने फील्ड दौरे करने हैं, 10 दिन में ये ठिकाने ला देंगे। लेकिन तनवीर शहजाद साहब, तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके बारे में तो बड़ी वाज़ह तौर पे ये बात सामने आती है कि बड़े सख्त मिजाज हैं और अमनी इकदामात पर वो ज्यादा जोर दे रहे हैं। नहीं, ये देखें, ये तो अभी मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल केपी में गवर्नमेंट वो उसको अपोज करेगी, उनकी कोशिश होगी किस तरह ये मामला जो है स्कटल करा दिया जाए। देखिये फेडरल लेवल के ऊपर क्या खबरें आ रही है कि जो मोनेटाइजेशन की पॉलिसी भी दी गई है, तनवीर साहब सुन ले आप, ये वहां पर ये बाबू कैसे चक्कर दे रहे हैं। आपको पता क्या हो रहा है, 600 गाड़ियां सरकारी गाड़ियां वो रिकॉर्ड में मिसिंग है, वो लोग लेके चले गए। बिल्कुल, यही अलमिया ये है कि अगर सहूलियात फराहम कर दी जाती हैं तो वो मंजर आम पर नहीं आती, जो मंजर आम पर आती हैं वो गवर्नमेंट की जानिब से फराहम नहीं की जाती, बड़े सवालात उठ जाते हैं। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे जो कि परवेज मुशर्रफ की सेहत से मुतालिक है। देखा जा रहा है कि कुछ दिनों से उनकी सेहत में अजीबो गरीब किस्म के नशेबो फराज आ रहे हैं, कभी वो बीमार हो जाते हैं और कभी वो अचानक से बिल्कुल उनकी तबीयत बेहतर हो जाती है। गुज़श्ता रोज भी देखा कि उनकी तबीयत अचानक खराब हुई, फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। मगर एक बात जिसके ऊपर सभी जानिब से नजरें उठाई गई हैं, सवालात उठाए गए हैं, फारूक साहब वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमने देखा कि आईसीयू में जैसे ही दाखिल हुए परवेज मुशर्रफ तो बड़े अच्छे लिबास में मलबूस उनकी तस्वीर भी शाया कर दी गई है। देखिए बात यह कि पहली ही 72 ईयर्स ओल्ड, और एज के साथ साथ हेल्थ इश्यूज आते हैं, एक उनकी बैक का मसला है वो तो हमें शुरू से पता है, फिर कुछ मेरे ख्याल हार्ट प्रॉब्लम भी है, और ये जो कल कहते हैं ब्लड प्रेशर उनका एकदम शूट हुआ, और फिर उनको पीएनएस शिफा लिखे गए जो उनको ट्रीट कर रहे हैं जब से ये कराची गए।
मैं ये कहता हूँ कि अब आपने जस्ट वाला पॉइंट उठा लिया, मैं इस पर क्या जवाब दूँ। ठीक है, वो शाम को डिस्चार्ज होकर घर आ गए, मैं तो बल्कि थोड़ा एक और टोन में बात करूँ। लेकिन ये अल्लाह बेहतर जानता है कि उनकी स्टेट ऑफ हेल्थ एग्जैक्टली क्या है, क्या सराइय होती हैं। मैं समझता हूँ कि जल मुशरफ इस वक्त शुड बी अ हैप्पी मैन। देखिए, उनमें चार इंपॉर्टेंट केसेस में जिसमें उनके चल रहे हैं, दो केसेस उनके हक में फैसला हो गया। कैसे? अकबर भुक्ति केस में वो एक्विट हो गए, और लाल मस्जिद के केस में आप देखें मौलाना अजीज साहब ने, उनकी फैमिली ने उनको पार्डन कर दिया, उनको माफ कर दिया। वो अलहदा बात है, मैं समझता हूँ कि मौलाना अजीज साहब जो हैं वो ओ करते हैं अपनी जिंदगी। वैसे तो अल्लाह ताला के हाथ में सारा, कि जो वो जो लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ था तो मौलाना अजीज को पहले चंद घंटे पहले उनको वहां से निकाल लिया गया था। जारी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन ने मदद की थी, और उसके बाद असॉल्ट हुआ, उनके भाई जो है वो अपने वहां पे उनकी डेथ हो गई। तो वो अलहदा बात है, अजीज साहब ने पत्नी कैसे अपने भाई को छोड़ के जो है वो चले गए। लेकिन और दूसरा आप देखें कि अब जो उनके दो केस रह गए, एक बीबी का केस है और दूसरा आर्टिकल 6 का, वो भी खत्म हो जाएंगे आसा से। मैं ये समझता हूं, मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले तो मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक ताला जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। वो पाकिस्तान की आर्मी के चीफ थे, वो पाकिस्तान के सदर थे। उन सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसके वो हमें इंसानी हमदर्दी के तहत देखना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उनको रिलीफ दिया जा सकता है, उनको जो मेडिकल का सपोर्ट होनी चाहिए वो उनको मिलनी चाहिए, उनका राइट है। तीसरी बात ये है कि सिर्फ इतनी एहतियात करनी चाहिए कि हमें ये तासर नहीं मिलना चाहिए कि पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ के लिए कानून और है और आम शहरियों के लिए और है। और अगर अयान भी उसकी तबीयत ख़राब हो, उसको भी बाहर जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। और अगर आसफ अली जरदारी को, डॉक्टर आसिम की तबीयत ख़राब हो, उसको भी इंसानी हमदर्दी पे जाना चाहिए। जितने लोग संगीन गद्दारी के मुकदमात में हैं या दूसरे मुकदमात में हैं, अगर वो उनके सर में दर्द है, अगर उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया है, अगर उनको प्रॉब्लम है, तो उनके साथ वही ट्रीटमेंट होना चाहिए जो जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ हमारी रियासत करने जा रही है। मुझे सिर्फ एक गिला जनरल परवेज मुशर्रफ से कह लें या जरदारी से भी, जरदारी से मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये गिला आसिफ जरदारी से भी है। इस मुल्क में आपने इतने दावे किए कि हमने पाकिस्तान में इतनी तरक्की कर दी है, आप एक अस्पताल भी ऐसा नहीं बना सके जहाँ आपका इलाज हो सके। आज भी आप बाहर जाना चाहते हैं, आज भी आप बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए। जी मैं आपको जवाब दे दूँ, पहली बात तो ये है कि हमारे बड़े लोग जो हैं, जब इनके पास केसेस होते हैं, मैं मानता हूं कि ये एक एलिमेंट है। आसिफ जरदारी साहब ने अपने आप को मेंटल के हेल्थ के जो मसाइल थे उसके सर्टिफिकेट दे दिए, स्विस केसेस चल रहे थे, ताकि वहां से मामला लेट हो। डॉक्टर आसिम की बात कर रहे हैं, उनको आप देखें हर दूसरे दिन उनके जो अदालत है वो उनके मेडिकल बोर्ड करा रही है, उनके मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहे हैं, वो तो सारा उनको मेडिकल कवर मिल रहा है। इसी तरह और भी बड़े केसेस में, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ तमीज साहब, देखें बात यह है कि जल मुशर्रफ अभी ईसीएल के ऊपर है। आपने देखा कि माजी में वो अदालत ने रखा ईसीएल पे, गवर्नमेंट ने नहीं रखा, याद अदालत ने को जाके कहें कि ईसीएल खत्म करे। लेकिन फाइनल गवर्नमेंट है वही ईसीएल पे डालती है, वही निकालती है। इन्होंने कोशिश भी की कि जी मेरी वालदा जो है वो बीमार है दुबई में, मुझे बाहर जाने दिया, इनको नहीं जाने दिया गया। आपको याद नहीं है? नहीं जाने दिया गया। तो अगर आप ये समझे कि जनाब इनको कोई प्रोफेशनल ट्रीटमेंट हो रही है, अगर तो जेन्युइन बीमारी है। बीबीसी के साथ आसिया इसहाक ने बात की है, उसने कहा ना ब्लड प्रेशर है, ना हार्ट की कोई तकलीफ है, गले के अंदर एक सोजिश का मामला था। अब एक मेडिकल जो है बोर्ड वो करे, अगर बीमारी है तो पूरी सहूलत देनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कैसी बीमारियां हैं जो खास टाइमिंग पे होती हैं, आपको अदालत ले जाया जा रहा है, आपको हार्ट अटैक हो जाता है। आप देखिए कि कम से कम ये क्या जिस बंदे को आईसीयू में रखा जाए, क्या उसकी फुटेज इस तरह से बड़े फाइन अंदाज में पूरे टीवी चलनी चाहिए? क्या उसी वक्त सारे मुतालबे आने चाहिए कि ईसीएल से नाम निकाल के बाहर जाने के बंदोबस्त किए जाएं? सर पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत को, पाकिस्तान के इदारों को ये सोचना होगा कि रूल ऑफ लॉ जो है ये माजे गामे के ऊपर नहीं, सारे वीआईपी के ऊपर इख्तदार हो, तमाम के लिए कानून बराबर का होना चाहिए, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, सबको मेडिकल ट्रीटमेंट बुक के मुताबिक, कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। मेडिसिन नहीं लगता सरकारी साहब, आप उस लेवल की नहीं है, वहाँ सर दर्द हो तो देखे ना, मेरी बात आप उस लेवल के नहीं है, मैं और आप उस लेवल के नहीं है कि हमें पाकिस्तान के आईन, मेरी बात सुने सर, पाकिस्तान के आईन ने मुझे उस लेवल पे रखा है, यहाँ पे जो बड़े इस्लाम ने मुझे उस लेवल पे, और जो बड़े दावेदार
करने वाले बात तो मुझे करने देना, जो बड़े पाकिस्तान के सदर को और पाकिस्तान के आम शहरी को यकसा हकूक दिए। सही बात है, ओके गुड। आप मुझे ये बताएं, ये बाकी जितने हमारे लीडर हैं, जरा खांसी आती लंदन भागते हैं, जरा खांसी आती न्यूयॉर्क भागते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? ये पाकिस्तान में इलाज कराते हैं? आज तो सच साबित हो गया ना, ये बताएं, सरदारी बुरा, नवाज शरीफ बुरा, आप जनरल परवेज मुशर्रफ भी बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, कभी नवाज शरीफ साहब और आप बताएं, नवाज शरीफ शबाज शरीफ कभी जाएंगे एफआईसी में? पाकिस्तान के सबक सदर को खांसी होती सिविलियन अस्पताल में कल जाना चाहिए, ये देखना चाहिए था इमरजेंसी पे जब जब कानून ने बुलाया है तब तब ये लोग या तो बीमार होते हैं या बीमारी का कोई ना कोई बहाना जो है सामने आ जाता है। आगे बढ़े, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से मुतालिक एक खास मुहिम चला दी गई है कि राहील शरीफ आप मर जाएं, जगह जगह बैनर्स लगे हुए नजर आ रहे हैं, हिमायती अब निकल पड़े हैं, मुहिम किस हद तक कामयाब होगी? क्योंकि आर्मी चीफ की जानिब से तो कह दिया गया वाजे तौर पर कि वो अपनी मुद्दत में तौसी नहीं करवाएंगे, उनकी जितनी मुद्दत मुलाजमत है वो उसे अच्छे तरीके से पूरे करेंगे, किसी किस्म की कोई तौसी हासिल नहीं की जाएगी। फारूक साहब आपकी जानिब आएंगे तो एक बार फिर से सवाल उठा दिया गया कि आर्मी चीफ अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसी कराए, मगर आर्मी चीफ तो कहते हैं कि वो तौसी नहीं चाहते, हिमायती तो अब निकल पड़े। देखें बात ये है सिद्दत, मैं हैरान हूँ, पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह की फिनोमेना पहले नहीं हुआ। बिल्कुल, मैं तो खुद आई एम सरप्राइज कि ये हो क्या रहा है। देखें ये पॉलिटिकल पार्टी, उसका नाम है मूव ऑन पाकिस्तान, मैंने इसका नाम पहले नहीं सुना था, ये पूरे पंजाब में खासकर मैं देखा हूँ इस्लामाबाद में, ये बड़े पैमाने पर ये हजारों की तादाद में जनरल राहील शरीफ की सपोर्ट में, और ये कह रहे हैं कि जी आपने रिटायर नहीं होना, आपने जाना नहीं, क्योंकि कौम को, और कह रहे हैं खुदा के लिए कौम को आपकी जरूरत है। देखिए मैं एक बात बता दूं, अगर पार्लियामेंट का भी रेजोल्यूशन आ गया ना, मैं कहता हूँ यूनाइटेड नेशन का भी रेजोल्यूशन आ गया, मैं कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चल के उनके घर भी चले गए, मैं आज आपको बता रहा हूँ जनरल राहील शरीफ ने अगर एक मरतबा कौम के सामने ये कमिटमेंट दी है कि जनाब मैंने और अपना इस अजम का इजहार किया है कि मैं कोई एक्सटेंशन में बिलीव नहीं करूंगा, मैं 28 नवंबर को रिटायर हो जाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ knowing that man, knowing that general, he is not going to backtrack, क्योंकि अगर उनको पता है, अगर वो किसी temptation में आ गए, तो जनरल राहील शरीफ साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, या आप याद रखें, आपका इमेज जो पाकिस्तान की तारीख में इतना बन गया है, ये बिल्कुल नोज डाइव करेगा, लोग कहेंगे ये वही रवायती जनरल है, ये तो मेरे ख्याल में ज्यादा मौसर है कि ऐसन तरीके से अपनी जिम्मेदारियां अगर पूरी कर ली जाए तो अपने वक्त पर रिटायर हो जाना चाहिए। राहील शरीफ का ताल्लुक है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इसको एक हीरो के तौर पे देखा जाए, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी कामयाबियां, उसकी अचीवमेंट्स, उसकी कुर्बानियां, ये तारीख का हिस्सा है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बात ये है कि ये मूव ऑन पार्टी फैसलाबाद में बनी है, तांगा पार्टी है, इस प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने अपने ब्यूरो चीफ से बात की है, ये कोई मियां मोहम्मद कामरान है, वहाँ स्कूल चलाते हैं, वहाँ स्कूल चलाते हैं, लाखों रुपए से ये बैनर कर रहे हैं, ये साहब इनकी रिप्यूट ये है कि ये जरूरतमंदों के काम आते हैं, जरूरतमंद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। बात यह है कि पाकिस्तानी फौज की इससे ज्यादा नामनासिब बात फौज पे नहीं कही जा सकती कि क्या पाकिस्तानी फौज में लीडरशिप की कमी हो गई है, क्या पाकिस्तान में और बंदा ही नहीं है जो चला सकता है। दूसरी बात ये, ऐसी जो मुहिम होती है इससे गलत फहमियां जन्म दे लेती हैं, क्या ये मुहिम चलाई जा रही है या चलवाई जा रही है, हो सकता है क्या कल को चीफ जस्टिस के हक में कोई मुहिम चलेगी तो चीफ जस्टिस को मुद्दत मुलाजमत तौसी देंगे, नवाज शरीफ चली जाएगी, नवाज शरीफ को हम कर देंगे। मैं तो ये हैरान हूँ कि पिटीशन भी दायर होगी आला दिए में कि जनाब इनकी एक्सटेंशन होनी चाहिए, फिर एक इस तरह की पिटीशन हम सुनने दायर हुई है कि रेफरेंडम होना चाहिए पाकिस्तान में, तो ठीक है जनरल राहील शरीफ क्योंकि वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी मैन, तो उनकी इतनी पजीराई हो रही है, इनकी इज्जत है पाकिस्तान के अवाम में, और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं क्योंकि कराची में, बलूचिस्तान में, फाटा में आपने इतना अमन कायम करने में अपना किरदार है तो लिहाजा कुछ जाना चाहिए।
मैं एक एलिमेंट देखता हूँ वो ये कि चाइनीज जो है उनका बड़ा रोल आ रहा है पाकिस्तान में। अब जनरल राहिल शरीफ ने स्पेशली जो अब खबरें आ रही हैं कि सी पैक के ऊपर उनका एक जाती तौर पे और जाती तौर भी आपके फौज एज एन इंस्टीट्यूशन की काम कर सी पैक में इसीलिए नवाज शरीफ को भी जो ना अगले 5 साल के लिए सुशी दे देनी चाहिए। इक्तिसादी रहदारी का मंसूबा किए जा रहे हैं, उसके बाद आर्मी चीफ की जानिब से अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसी करवाई जाती है या फिर नहीं, क्योंकि वाजे तौर पर आर्मी चीफ का यह बयान सामने आ चुका है कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसी बिल्कुल नहीं चाहेंगे। वो यकीनन कौम के हीरो हैं, अब देखना है कि ये हिमायती कामयाब होते हैं या फिर आर्मी चीफ की जानिब से तौसी हासिल करी जाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अमरीकी बजट से मुतालिक। अमरीकी बजट में पाकिस्तान का हिस्सा मुख्तस किया गया है जो कि 86 करोड़ डॉलर बयान किया जा रहा है, जिसमें फौजी साजो सामान के लिए 26 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। अब ये बजट पाकिस्तान की मईशत को हमारे जितने भी मामला थे उनको किस हद तक आगे लेकर जा सकता है अभी ये देखना बाकी होगा। तनवीर साहब आपके जानिब आएंगे, अमरीकी बजट में हमने देखा कि एक बड़ा हिस्सा मुख्तस किया गया है पाकिस्तान के लिए, और खासतौर पर जो हमेशा अमरीका की जानिब से एक हिदायत जारी कर दी जाती है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर करने की तरफ भी खासा जोर दिया जाता है। वो जो इनके खारजा का जो महकमा है, महकमा खारजा के तर्जमान यहाँ भी वो नहीं भूले और उन्होंने इस अनाउंसमेंट के साथ कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा ताल्लुकात हैं, इनको बेहतर होना चाहिए, मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करना चाहिए। बात यह है कि ये 4 ट्रिलियन डॉलर का बजट आ रहा है अमेरिका का 2017 के लिए और कांग्रेस को ये मंजूरी के लिए भेज दिया गया। इसमें काफ़ी रुकावटें हैं वहाँ, अभी पता नहीं क्या बनता है। इसमें पाकिस्तान के लिए 8.86 करोड़ डॉलर रखे गए हैं, इसमें से 26.5 करोड़ डॉलर फौजी साजो सामान के लिए होंगे। 3 कामों के लिए ये दिए गए हैं, एक तो ये कि जोहरी असासे मजबूत बनाने के लिए, महफूज बनाने के लिए काम करें, दहशतगर्दी के खिलाफ काम करें और पाक भारत ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए काम करें। हम फारूक साहब अक्सर कहते हैं कशकोल तोड़ना चाहिए, कौमी गैरत का तकाजा है, हाथ नहीं फैलाना चाहिए, अमरीका से मदद नहीं लेनी चाहिए, अमरीकी बड़े खराब होते हैं, गलत होते हैं। सर बिस्मिल्लाह कीजिए, 26.5 करोड़ रुपया फौजी साजोसामान के लिए आ रहा है। अमरीका को कहिए कि थैंक यू वेरी मच, आप अपने पैसे अपने पास रखिए, हमें कोई जरूरत नहीं है। ये क्या रवैया है कि आपने पैसे भी लेने हैं, आपने गालियां भी देनी है। बात यह है कि हम अपने घर को अगर बाहर से पैसा लेंगे तो उनकी शरायत भी माननी पड़ेगी, बिल्कुल उनके टैक्स मनी है, वो एक एक पैसे के ऊपर नजर भी रखते हैं और खास मकासद के लिए देते हैं। आप यानी कहें जरूरत के साथ कि ये जो पैसे रखे हैं हम ये बिल्कुल नहीं लेंगे, अगर पैसे लेंगे तो फिर अफगानिस्तान में रवैया बदलना पड़ेगा, भारत के साथ पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। अमेरिका की जानिब से जो रकम बजट की सूरत में आपको दी जाती है तो वो दबाव भी आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन हमने अक्सर देखा है बहुत सारे मौकों पर भारत को प्रेफरेंस देते हुए पाकिस्तान को दबाव में रखने की कोशिश की गई है। देखिए वो तो बात सही है, भारत के साथ अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो कश्मीर के मामले में और मामलात में दहशतगर्दी के मामलात में उनका झुकाव जो है भारत की तरफ से वो तो उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जो तनवीर साहब ने सवाल किया, तनवीर साहब ये जो 860 मिलियन डॉलर आ रहे हैं जो अगले बजट में वो देंगे अपना, हर साल ये देते हैं अपने एलाइज को या सो कॉल्ड एलाइज को, ये देते हैं अपना डिफेंस की असिस्टेंस है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसहाक डार साहब वो फिर ऐलान करें कि हमें ये पैसा नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच, मेरी बात भी ऐलान करें कि 26.5 करोड़ डॉलर का फौजी साजो सामान नहीं चाहिए। अच्छा अब दूसरे ऑप्शन मेरी बात सुने ये फैसले होते हैं टॉप सिविलियन लीडरशिप की लेवल पे, पॉलिटिकल लीडरशिप। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ये सितंबर में जो IMF का पैकेज खत्म हो रहा है, इन्होंने फिर बहाना निकाल के कि जी अब क्योंकि हमने जो इतने लोन लिए हैं 22-25 अरब डॉलर जी, वो भी उनके इंटरेस्ट हमने वापस करना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी देना, तो कि हमें और कर्ज चाहिए, तो ये तो उसमें आपको डुबोते जाएंगे। लेकिन पॉइंट ये है जो आप मिलिट्री असिस्टेंस की बात करें, एक्चुअल रौला जो पड़ा हुआ है और मसला मसला हल हो गया था, पहले काफी में हालात टेंस थे, जो कोलिशन सपोर्ट फंड है, कोलिशन सपोर्ट फंड जो हमारे एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुए इस वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ देने पे, जो कि हमारी बड़ी गलती थी जो हमने जल मुशर्रफ के वक्त के सारे इस मामला में जंग में हम उलझ गए। गलती भी किसी सिविलियन लीडर ने नहीं की। मैं मानता हूँ तो हमेशा कहता रहा हूँ ये जंग हमारी नवाज शरीफ होता हमारी तो बेहतर फैसले होते। मैं मानता हूँ अगर नवाज शरीफ साहब होते या पार्लियामेंट होती तो शायद जल मुशर्रफ जैसा फैसला ना होता। आई एग्री विद यू ओवर देयर, मैं थ्रोट कहता रहा हूँ। लेकिन कोलिशन सपोर्ट फंड अब फाइनली 2014 में खत्म हुआ, उन्होंने 2015 तक एक्सटेंड किया, अब जो लास्ट मीटिंग हुई है वॉशिंगटन में, अब सुन ले तनवीर साहब, हमने कहा है कि जनाब
हमारा ये $337 मिलियन जो आपने रोका हुआ पैसा एक हमें मिलना चाहिए क्योंकि हमारे अखराजात हुए हैं। और दूसरा उन्होंने पोल्यूशन सपोर्ट फंड को दिसंबर 2016 तक उन्हें एक्सटेंड कर दिया। मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि ये कुछ हमारे पैसे हैं जो हमारी उनकी तरफ बनते हैं। हमारा हक है ये कि जो हमारी वॉर ऑन टेरर में जो भी आगे भी जो खर्चे आएंगे उनका काम है हमें डिस्पर्स करना, रीइंबर्स करना वो पैसा। ये पैसा हमारा है, ये मैं आपके बात शेयर करना चाह रहा हूँ। हमें आलमी बरादरी के साथ हाथ मिलाना चाहिए, हमें एक्सपोर्ट्स बेहतर करनी चाहिए, हमें पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान के लोगों को बाहर भेजना चाहिए, वो फॉरेन करेंसी और फॉरेन रेमिटेंसेस वहां से भेजें। लेकिन हम किराए के किराए के कातिल नहीं है कि किसी की जंग लड़ते फिरे। हमें अपने वतन की दफा अपनी खातिर करना है, अपनी खातिर करना है। और देखना ये जिस तरह से बातें की जाती है कशकोल तोड़ने से मुतालिक, हमने देखा 2013 के इलेक्शन में भी वफाकी हुकूमत जो इस वक्त इक्तदार पर मौजूद है उसकी जानिब से कहा गया कि कशकोल तोड़ दिया जाएगा, और लेकिन हमने देखा कि हर बार ये चीज बढ़ती रही और हमारे हाथ भी आगे की जानिब बढ़ते रहे। लेकिन हर जहन में जो सवाल उठता है वो कब तक हम इन्हिसार करेंगे दूसरों पर, हमें ये कशकोल तोड़ कर खुद से आगे बढ़ना होगा, अपनी मईशत को खुद से एक जगह पर लेके जाना होगा, स्टैंड करना होगा। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। खबर सूत्र में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहेंगे। डीएचए लाहौर सिटी स्कैंडल से मुतालिक जिसमें एक बहुत बड़ी पेशरफ्त देखने में आई है, नैब की जानिब से अरबों रुपए की खुर्द बुर्द करने का केस जो है वो तैयार कर लिया गया, इस मंसूबे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त इसे करार दिया जा रहा है। फारूक अमीर साहब आपकी जानिब आएंगे तो क्या समझते हैं, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, आने वाले दिनों में मजीद पेशरफ्त का इम्कान है? देखिए जी, मैं समझता हूँ नैब पंजाब का ये बहुत अच्छा कदम है कि उन्होंने बिल्कुल जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है ब्रिगेडियर रिटायर्ड ये खालिद भट्ट साहब, खालिद नजीर भट्ट, इनको उन्होंने रश किया है और जारी बात है इनके दौर में ये प्रोजेक्ट जो है सारा मैनेज मिसमैनेज हुआ, इतनी बड़े लेवल पे करप्शन। देखें एक वो प्रोजेक्ट जिसमें शोहदा के खानदान और हमारे जो सिविलियन बहन भाई हैं आम शहरी हैं उनके आप अपना जो प्लॉट से उनमें अगर आप खुटपुट करेंगे और गड़बड़ करेंगे तो फिर मेरा ख्याल माफी जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये अच्छा डेवलपमेंट है। मैं तो ये समझता हूँ इस प्रोजेक्ट में इनको चाहिए कि अपना जो कैनी साहब के जो भाई हैं, क्या उनका नाम है जी, कामरान जो दुबई में है, उनके रेड वारंट भी जारी होने चाहिए। अगर उनका भी रोल है उनको भी वापस लेके आना चाहिए। नहीं सर, उनके नहीं होने चाहिए। बात ये है कि अगर ना तो जनरल मुशर्रफ के केस में सरगर्मी दिखानी चाहिए, ना कामरान कियानी के केस में हमें सरगर्मी दिखानी चाहिए, ना जो डीएचए के दूसरे मामले किसके केस में आपको डॉक्टर आसिम मिला हुआ है उसको करें। आपने जिस तरह उजैर बलोच को लेके आए हैं, जिस तरह बाकी लोगों को आप लाते हैं रेड वारंट करके, कामरान कियानी को कौन सपोर्ट कर रहा है, क्या रुकावट है आपके पास, क्या नैब उस तरह क्यों सरगर्मी नहीं दिखा रही? सर बात यह है, मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि हुकूमतों का ये काम ही नहीं है कि वो कारोबार करें, इदारों का भी ये काम नहीं है कि वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करें। बिल्कुल, बिल्कुल। वो प्लाट भेजें, अपने इदारों के लिए घर बनाए, बना के दें, उनको लुक आफ्टर करें, उनका ख्याल रखें, अपना काम करें। भी अगर कल हम पार्लियामेंटेरियंस को कहें आप ये एक हाउसिंग अथॉरिटी बना लें और वो काम करते रहें, अगर आप इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे तो सवाल उठेंगे। कामरान कयानी और जितने भी बड़े नाम इस मंसूबे के अंदर सामने आए हैं, नैब का इदारा वहां पर आकर बेबस हो जाता है? नहीं, कोई बेबस होने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो पहले आर्मी चीफ कहते हैं कार्रवाई करो, मैं आपको जवाब दे दूं ना, मेरी आप जवाब सुन लें। हम तो इस प्रोग्राम में बार बार कहते रहे कि जो भी शख्स हो इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज रैंक, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज पोजीशन, अगर उसने एक रुपए के भी गड़बड़ किया है तो उसको नैब जो है वो पकड़े। पहली बात ये, कामरान कैनी साहब बिल्कुल रेड वारंट होना चाहिए, उनको पाकिस्तान वापस लाना चाहिए। अब इन्होंने बात की कि जी इस तरह पार्लियामेंट भी अपनी हाउसिंग बनाए, आपको तजवीज साहब मालूम नहीं है कि तमाम पाकिस्तान के इदारे, कोई एक इदारा बता दें, हर एक ने अपने लोगों की वेलफेयर के लिए हाउसिंग सोसाइटीज बनाई है, अपने लोगों के लिए बनाए, आगे आगे का कारोबार ना करें। लेकिन आम आदमी बनाता है तो हाउसिंग स्कीम होती है, जो अथॉरिटी नहीं बनाने की इजाजत देती है। जो डीएचए है, डीएचओ पे पूरा प्रोग्राम मेरे साथ कर ले, अब ये वही डीएचए, अब ये वही डीएचए जहाँ पांच पांच मल्ले के प्लॉट भी है, जो सारा गाँव मर जाए, गरीब आदमी की बारी कब आनी है? आम पाकिस्तानी को डीएचए जैसी चलते
कब मिलनी है? फारूक साहब, तनवीर शाह साहब ने बड़ा सॉलिड पॉइंट दिया था, जब आर्मी चीफ की जानिब से हिदायत कर दी गई है तो हाथ अभी तक क्यों नहीं डाला गया? तो ठीक है जी, नैब का प्रोसेस सारी कोशिश सिविलियन को रगड़ा देने पे लग रही है। चंद दिन पहले रावलपिंडी के जो सबक एडमिनिस्ट्रेटर था उनको भी एक डीएचए स्कैम में अरेस्ट किया गया, तो लिहाजा वो काम हो रहा है। फैसला क्या हुआ? फैसला ये होगा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और आज मैं बता दूं, नैब ने अच्छा कदम किया, ये कहानी तो आप मैं बता ही दीजिए। खालिद नजीर भट्ट साहब जो है अच्छा है कि नैब पंजाब जागा है। और मैं कह रहा हूँ चेयरमैन नैब को, जनाब आप नैब पंजाब को अब जरा कुछ खेलने का जरा मौका दें कि आगे बढ़े और पकड़े बड़े लोगों को। मेरी पाक फौज की इज्जत पे हर्फ आता है ऐसी खबरों से, इसको मिलिट्री कोड में चलाएं, मिसाल बनाएं, बुलाएं कामरान कियानी को और बताएं सर 5000 कनाल राजी देनी थी, 1982 कनाल खसरों की अपने अकाउंट में पैसे कर दिए आपने। आसिम के केस में भी जो लैंड ग्रैबिंग है, जो मामला है, वो नैब चला दिए। नैब इज द फोरम फॉर फारूक साहब, हमने कुछ 2-3 दिन पहले अपने ही प्रोग्राम में इस बात को डिस्कस किया था कि नैब का इदारा मुतहरक जरूर हो चुका है, हाथ जरूर डालना चाहिए, लेकिन ये हाथ फौरी तौर पर डालना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी मुल्ज़िम जो है वो बैरूने मुल्क चला जाए और फिर बाद में उसका नाम ACL में डाल दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अहद चीमा से मुतालिक, तो ये बड़े अहम ब्यूरोक्रेट समझे जाते हैं और ये कानून पास किया गया था मालूमात तक रसाई का, और जस्टिस रिटायर्ड जमशेद अली की जानिब से मालूमात की रसाई के कानून के तहत अहद चीमा से मुतालिक कुछ मालूमात तलब की गई थी जो कि प्रोवाइड नहीं की गई, जिसके बाद देखा गया कि महकमा एनर्जी के हुक्काम को भी तलब कर लिया गया है 20 फरवरी को। तो तनवीर शाह साहब आपके जानिब आएंगे, अहद चीमा से मुतालिक बात करेंगे, बड़े अहम ब्यूरोक्रेट समझे जाते हैं, जो मालूमात मांगी जाती है वो क्यों प्रोवाइड नहीं की जा सकती? ये अलमिया है पाकिस्तान की सियासी हुकूमतों का भी और पाकिस्तान के दूसरे इदारों का भी कि ये जो पाकिस्तान का मालिक है, जो आम शहरी है, जो टैक्स देता है, जिसके पैसों से तनख्वाहें मिलती हैं इनको, इसकी ये बात नहीं मानते। बात ये है कि एक आदमी ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये अप्लाई किया कि ये जो अहद चीमा साहब हैं ये एक जूनियर ऑफिसर हैं, आपने इनको चीफ एग्जीक्यूटिव लगाया है, आप बताइए कि चीफ एग्जीक्यूटिव कायदे आजम थर्मल पावर जो हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनको भर्ती कैसे किया गया, इसकी असामी कहाँ अनाउंस की गई, किस अखबार में इश्तहार छपा, कितनी एप्लीकेशनें आई थी, इनको तनख्वाह कितनी मिल रही है, इनको मराहत कितनी मिल रही है, क्या इनकी क्वालिफिकेशन कंपेटेबल है उस असाइनमेंट के जो कर रहे हैं। उन्होंने जवाब नहीं दिया, दोबारा उनको रिमाइंड किया गया, फिर जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा जी वो तो बाहर गए हुए हैं। उन्होंने कहा जी अगर अहद चीमा बाहर गए हैं तो जिस मुल्क ने भर्ती किया फाइल तो यहाँ पड़ी है। अब 20 तारीख को उनको तलब किया गया। बात ये है कि शहबाज शरीफ का ये जो स्टाइल कि जूनियर लोगों को उठा के ऊपर लेके आना, कहीं फूलों वाले को नदीपुर के ऊपर लगा देना, और उससे निकलता क्या है? होता ये है कि अपनी मर्जी के काम, कवायद के खिलाफ काम जो है, सीनियर ब्यूरोक्रेट अगर नहीं मानता तो जूनियर को आप लगा देगा। कानून बनते रहेंगे लेकिन इंप्लीमेंट कहीं नजर नहीं आएगा। तनवीर साहब सारी बातें नहीं बता रहे, ये एक्सपेक्ट करें कि ये PMLN की गवर्नमेंट, ये चले सिंध गवर्नमेंट, बाकी ये सब मेरिट पे काम करेंगे, ये तो आप ये भूल ही जाइए। अब बात है कि अहद चीमा साहब हैं कौन? अहद चीमा साहब ब्लू आइड हैं शरीफ फैमिली के, जिस तरह फवाद हसन फवाद साहब इस्लामाबाद में हैं, ये हैं लाहौर में, नंबर वन। नंबर टू, ये DGLDA भी हैं। आप को मैं आज बता रहा हूँ, ये LDA में जो पिछले साल कितने सालों से हैं, जो LDA के स्कैम्स हैं, करप्शन स्कैम जो हम सुनते हैं और जो टेबल के नीचे ये दबाई जा रहे हैं, ये इवेंचुअली तनवीर साहब कहते हैं ना कि जी मैं आपको बता रहा हूँ जिस दिन हुकूमतें चेंज होंगी और लोग आएंगे ये सब लोग पकड़े जाएंगे जो उन्होंने किया है। LDA के एक जमाने में नैब पंजाब में, मुझे याद हमारे वक्त पे LDA का पूरे एक करप्शन सेल होता था। आपको मालूम है 2-3 साल पहले बड़ी आग लगी थी LDA की यहाँ पे दफातर में, कई लोग मारे भी गए और वो रिकॉर्ड जला दिया गया। भाई उसके बाद क्या हुआ, कौन सा रिकॉर्ड था, इंक्वायरी में क्या पता, एक तो बात। दूसरा जो बड़ा जो गड़बड़ है, जो कि लोगों को पता हमें बताना चाहिए, ये कच्ची आबादी का जो स्कैम है जो कि सामने आ नहीं रहा। देखें ये LDA का एक बहुत बड़ा माफिया है सारा,
कि लाहौर में खासकर जितनी कच्ची वादीज हैं हजारों की तादाद में उनके बकायदा नोटिफिकेशन है कि इनको मालिकाना हकूक दिए जाएंगे, प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाएंगे, लेकिन हुआ क्या है कि पता नहीं कितने केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, ये गड़बड़ ये कर रहे हैं कि ये बताते इन्होंने वो नोटिफिकेशन गायब कर दिए, वो बताती नहीं लोगों को और लोग दर बदर मारे जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, मैं बता रहा हूँ कि ये लोग इवेंचुअली सारे पकड़े जाएंगे। कानून हरकत में आएगा तनवीर शहजाद साहब, तो यकीनन सभी उसकी पकड़ में आएंगे, कोई देर से आएगा कोई जल्दी आ जाएगा, लेकिन देखना यह है कि 20 फरवरी को जिस तरह से महकमा एनर्जी के हुकाम को तलब किया गया है तो कौन सी अहम पेश हमारे लिए सामने आएगी। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो बड़ी अहम और दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये खुसूसी अदालत से मुतालिक, जहां पर एक भी चालान अभी तक पेश नहीं किया जा सका। तहफ्फुज़े पाकिस्तान एक्ट के तहत एक खुसूसी अदालत बनाई गई थी, लाहौर में एक भी चालान पेश नहीं हो सका। वफाकी हुकूमत गैर संजीदा नजर आती है, केसेस चालान तो मौजूद हैं लेकिन जज के पास फुल प्रूफ सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, मराद फराहम नहीं की जा रही। हमारे साथ फारूक साहब, आपकी जानिबी पढ़ूंगी, तो जो हमारे बढ़ती हुई दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है, बिगड़ती हुई सूरत हाल है पाकिस्तान की इस वक्त, तो उसमें हुकूमत किस तरह से गैर संजीदा रवैया इख्तियार कर सकती है? देखिए ये तो फिर वही बात आ गई, इसका मतलब लोग सही शोर डालते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान जो है उसको सही स्पिरिट के साथ लेटर स्पिरिट में उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। अब ये प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट के तहत ये जो स्पेशल कोर्ट बनाए गए, खासकर अब ये पंजाब के हवाले से, लाहौर के हवाले से बात की जा रही है, एक साल से कोर्ट ऑन ग्राउंड आया हुआ है लेकिन कोर्ट फाल नहीं है, फंक्शनल नहीं है, क्योंकि जी जज साहब जो है उनकी जो मरात है, उनकी जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, उनको जो बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलनी थी, तनवीर साहब वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नहीं दे रही है। और पंजाब की काउंटर अपना काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जो फोर्स है, मैंने उन लोगों से मिला हूँ, बड़े ही मैं कहता हूँ दबंग किस्म के लोग हैं, वो कह रहे जी हमारे पास केसेस तैयार है, हम वहां भेजना चाहते हैं लेकिन वो कोर्ट ही फंक्शन हुकूमत को वोट देते हैं, आप इक्तदार में लाते हैं, इक्तदार में लाने के बाद आप उसके खिलाफ धरने करवाते हैं, आप ये में इंगेज करते हैं, आप उसके उसको 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 कहते हैं कि हम इसको 2018 से पहले उठा देंगे। जज साहब भी कह रहे हैं कि हमारे पास मराठ नहीं है, मैं अदालत ही नहीं चला सकता। जमहूरी हुकूमतों को इस तरह टफ टाइम दिया जाएगा जैसा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को दिया जा रहा है, उनको इंगेज कर दिया जाएगा गैर जरूरी मामला के अंदर, और इस वो तो उनके लिए इतना टाइम नहीं होगा कि वो लाइन राइडर के मामले में। तनवीर साहब आपको नहीं लगता ये जो सड़कें बनाई जा रही हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, ट्रेन बनाई जा रही है, बस लेके आए हैं सामने, तो उससे ज्यादा जरूरी ये काम था, ये करना चाहिए था? पंजाब के अंदर एक गैर मुल्की फंडिंग के साथ प्रोसिक्यूशन के महकमे के अंदर एक मुकम्मल ओवरहॉलिंग की गई है, रिजल्ट पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं। जब कहीं जुर्म होता है तो 26 एविडेंसेस होते हैं उस मकाम पे जिनको इकट्ठा करके आप जो मुजरिम तक पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे हमने फॉरेंसिक लैब बेहतर होते देखी, हमने प्रोसिक्यूशन का महकमा बेहतर देखा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं ये डिफेंड नहीं करता कि उस अदालत के अंदर अगर प्रोसिक्यूटर्स ने 7 अहम केसेस के चालान नहीं भेजे तो इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन ये देखें कि जिस हुकूमत ने कोऑर्डिनेट करना था इस सूबाई हुकूमत के साथ, जिसने ये जिम्मेदारी अदा करनी थी, वो तो एयरपोर्ट पर बैठी है बेचारी जाके, और उसको पीपल्स पार्टी पोलिटिसाइज कर रही है। मुझे आप बात बताएं कि ये जिम्मेदारी इसका धरने से क्या ताल्लुक है? दूसरी बात ये है कि देखिए आप सियासी जमातों को ना उलझाएं सर। नहीं, इसमें तो ये है कि जब तक मुल्क में कानून का आप इदारा बेहतर नहीं कर सकते, आप अमन अमान की कैसे बात कर सकते हैं? क्या ये बात सच नहीं है कि ऑपरेशन का फैसला नवाज शरीफ दौर में हुआ? क्या ये सच नहीं है कि इस हुकूमत ने ज़रब-ए-अज़ब के लिए वसाइल फराहम किए? संदीप शहजाद साहब, आप अपने सूबे को ही नहीं देख रहे, आप बाकी सूबों की बात कर रहे हैं, अपने सूबे में तो देखे ना क्या सूरत हाल है। मेरी बात सुनिए तनवीर साहब, मेरी बात सुनिए, इस पार्लियामेंट ने मिलिट्री इशू ये है कि तनवीर साहब इशू ये है, मेरी बात सुनिए, मिलिट्री ये बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के तहत जो कोर्ट बने हैं, अगर एक साल में कोर्ट फाल नहीं है, इसका मतलब यह है कि जो शोर डाला जाता है कि जी फिर बनाए मिलिट्री कोर्ट, क्योंकि ये नाकाम हो गया अपने जो सिविल कोर्ट है कि एक शहर की एक अदालत को मिसाल बनाकर आप उस सारी नेकियों पे पानी ना फेर दें जो इस जमहूरी हुकूमत ने की हैं। क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पार्लियामेंट ने करारदादें पास नहीं की हैं? नहीं तो बात क्या आपको इसके अंदर बहुत से महकमे इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, इसके अंदर वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी की भी जिम्मेदारी है। मैं अगर मैं फौज पर इल्ज़ाम देता जाऊँ, फौज वाले जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम दे, इल्ज़ाम लगा के दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं हो सकता। हमारा मुल्क है, हमारे मसाइल हैं, इस मामले से लाइल नहीं है, आप ये तो तस्लीम करें।
ये बिल्कुल मैं तस्लीम करता हूँ और मैं ये भी तस्लीम करता हूँ कि इसको होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो मजबूरियां हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको भी ध्यान में रखना। मामला देख रहे हैं तो ये मामला भी हमें सामने रखना चाहिए। क्या मजबूरी है? ये आपका काम है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का, फेडरल का काम है। मैं कहता हूँ, मैं इतना क्रेडिट देता हूँ शहबाज शरीफ साहब को कि अगर ये जिम्मेदारी उनको दी जाए कि आप इस कोर्ट को जनाब घड़ी दें, उनकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें, दो घंटे के अंदर सारा काम हो जाए, तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो क्यों नहीं? मेरा ख्याल है ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ अदालतों के काम है ये सोच समझ कर करने चाहिए, दो घंटे में नहीं करने चाहिए। ये बिल्कुल तनवीर शहजाद साहब, ये तो बिल्कुल बड़ी वाज़ेह हकीकत है कि हमारी जो वफाकी हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर इस तमाम तर सूरत हाल को जानती है, लेकिन बात यही है कि अब गवर्नमेंट को हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने होंगे। जहाँ पे बड़े बड़े फैसले किए गए हैं वहाँ पर इन मामलों को भी पीछे नहीं धकेला जा सकता। नेक्स्ट टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं, जो कि हमारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तानी एम्पायर पर असद रऊफ की बात की जा रही है, जिन पर पाबंदी लगा दी गई है। क्या ये पाबंदी भारत लगा सकता है? खराब रवैये की बातें सामने आ रही हैं, करप्शन के मौजू को सामने रखते हुए बातें की जा रही हैं कि इसी बिना पर असद रऊफ पर पाबंदी आयद की गई। फारूक साहब, अगर हम पाकिस्तानी एम्पायर असद रऊफ की बात करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये, क्या ये पाबंदी का इत्तलाक भारत कर सकता है? पहली बात तो ये है कि मैं हैरान इस बात पे हूं कि पिछले दो साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों चुप है इसके बारे में कि पाकिस्तान का टॉप जो आईसीसी के एलीट एम्पायर पैनल में है, जिसे अलीम डार साहब हैं, देखिए अलीम डार साहब तीन मरतबा उनको आईसीसी का बेस्ट एम्पायर ऑफ द गेम जो है उनको अवार्ड मिला है। कहाँ अपना अलीम डार साहब और असद रऊफ साहब, अंग्रेजी में कहते हैं वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। हो सकता है कि इन पर जो इल्ज़ाम लगे कि 2013 में जो आईपीएल था इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें इनमें कोई इल्ज़ाम है मैच फिक्सिंग के, करप्शन के, मिसकॉन्डक्ट के, और इन्होंने अपनी उस बीसीसीआई की जो इंक्वायरी है उसमें इन्होंने अपनी रिपोर्ट, ये तो कहते हैं जी मैं बिल्कुल अपना मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। और उस सीरीज के दौरान इनको फौरन ये छोड़ के आ गए थे, आईसीसी ने इनको अगले उसके बाद जो था चैंपियन ट्रॉफी उससे भी इनको निकाल दिया। कहने का मेरा मतलब ये है पीसीबी को इसके बारे में कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जो आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट है वो क्या कर रही है, और तीसरा सवाल ये है कि क्या अगर बीसीसीआई की पाकिस्तानी एम्पायर को बैन करके इसका मतलब जो बीसीसीआई के अब जो मैचेस रिलेटेड होंगे चाहे इंडिया में या इंडिया से बाहर, असद रऊफ साहब को उन्होंने बैन कर दिया, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बाकी इंटरनेशनल जो मैचेस होंगे उसमें भी ये बिल्कुल पॉइंट यहीं पर आ जाता है। पीएसएल शुरू होने से पहले बड़ी बातें ये सामने आई थी कि भारत के साथ भी हमने खेला है, भारत की जानिब से हमने देखा कि सख्त रवैया देखने में आया कि हम नहीं चाहते आपको हमारे मुल्क में आना पड़ेगा, पाकिस्तान इस चीज के लिए तैयार नहीं था, हमारे प्लेयर्स पर क्रिटिसाइज किया गया। अब असद रऊफ का मामला है, तनवीर शहजाद साहब हमने देखा है हर मकाम पर जहाँ पर पाकिस्तान को पाकिस्तानी टीम को डिग्रेड किया गया वहाँ पर पीसीबी हमेशा खामोश रहा। पहली बात ये जी के ये जो खेले हैं इनको क्राइम से पाक होना चाहिए, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। इसी तरह से खेलों को सियासत से भी पाक होना चाहिए। असद रऊफ जो हैं ये अब तक 49 टेस्ट मैच जो हैं खिलवा चुके हैं और इसी तरह 98 जो है एक रोज़ा मैचेस में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। पूरी दुनिया में असद रऊफ आज़ाद हैं, वहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं, इन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी और आयद नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को भी देखना चाहिए कि अगर इंडिया की तरफ से कोई सीरियस शिकायत आई है तो उसको इन्वेस्टिगेट करके सही सूरत हाल तक पहुँचना चाहिए। असद रऊफ तो उन सारे इल्ज़ाम की तरदीद करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि कहीं ये जो फैसला है ये पाकिस्तान दुश्मनी का नतीजा तो नहीं है। अगर ये ऐसा है तो ये गलत है, लेकिन अगर ये कोई प्रोफेशनल बात है, उनके पास एविडेंसेस हैं, तो उनको शेयर करना चाहिए। आपका पॉइंट अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन फारूक साहब हमने देखा हमेशा ही पाकिस्तानी खिलाड़ी पाकिस्तानी एम्पायर ही हमेशा क्यों टारगेट पे रहते हैं? देखिए आपकी बात सही है कि जब ये साउथ अफ्रीका वाला और इंडिया का वनडे सीरीज हो रही थी, ये पिछले साल की बात है, तो उसमें वसीम अकरम और शुएब अख्तर जो कमेंट्री करना चाहते हैं उनको शिवसेना की थ्रेट थी, पाकिस्तान आ गए। पॉइंट मैं एक दूसरा ये देना चाह रहा हूँ कि असद रऊफ साहब जो है उनको अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करनी चाहिए मीडिया में आके। नंबर दो ये कि वो जो वहाँ पे अंपायरिंग कर रहे थे वो हमारी तरफ से नहीं गए थे, वो तो आईसीसी के एलीट पैनल में थे और वो आईसीसी की तरफ से अंपायरिंग कर रहे थे। एक बात जो है ना वक्त खत्म हो जाएगा, पीसीबी की जानिब से हमेशा नोटिस जारी कर दिया जाता है। लेकिन आज के इस मौके पे मैं पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। भारत में खेले गए 12वें जनूबी एशियाई खेलों में पाकिस्तान हॉकी टीम ने इंडिया की हॉकी टीम को हरा के एक सोने का तमगा जीता है। 8 गोल्ड मेडल हमारे पास हो गए हैं,
23 चांदी के तमगे, 43 कांसी के तमगे, इसी तरह से क्रिकेट टीम को भेजे वहां वनडे के लिए ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत को हरा के जीत के आए। लेकिन मुख्तलिफ खतरात का सामना भी रहता है और मुख्तलिफ तहफ्फुज़ात है जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम के जाने के बारे में हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो बड़ा दिलचस्प है, वो कोहिनूर हीरे से मुतालिक है। एक हीरा है जिसके 3-3 उम्मीदवार हैं, दरख्वास्तें भी दायर कर दी गई हैं लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए हैं, और अब देखना यह कि वो हीरा किसके मुकद्दर में आता है और किस सरजमीन पर आता है। फारूक साहब, कोहिनूर हीरे से मुतालिक बात हो रही है, तो एक हीरा है, उम्मीदवार 3 है, लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी जमा करा दी गई है कि पाकिस्तान में चला जाए। देखिए, पहली बात है, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को एडमिट किया है, और मैं तो समझता हूँ हमारे ऑनरेबल कोर्ट का टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आई डू नॉट नो कि अगर एक वर्डिक्ट आ भी जाता है कि जी हाँ, हुकूमत पाकिस्तान बरतानिया की हुकूमत को अप्रोच करे कि जी क्योंकि ये डायमंड जो है, कोहिनूर डायमंड, ये वो महाराजा रणजीत सिंह का दौर था पंजाब में, यहाँ से अंग्रेज़ों ने वो लेके और वो बाहर ले गए अपना बरतानिया में, और उनकी मलका के ताज में वो लगा हुआ है, तो जी इसको पाकिस्तान वापस किया जाए, तो इतनी को आसान बात नहीं है। मेरे ख्याल इसमें बहुत खाम खा एक एफर्ट और एनर्जी ज़ाय करने वाली बात है। लेकिन यह है कि अगर ब्रिटिश, दूसरी बात, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी फैसला भी करे तो वो कहेंगे जनाब इसके तो दोनों हकदार बनते हैं, इंडिया भी बनता है, पाकिस्तान भी बनता है, ये तो बड़े 19वीं सेंचुरी वाला मामला है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं कहता हूं कि ये डायमंड नहीं आना चाहिए पाकिस्तान में। अगर ये डायमंड पाकिस्तान में आ गया तो सर्वत में आपको यकीन से कहता हूं ये फिर चला जाएगा स्विस लॉकर्स में, कोई ना कोई हमारा जो शाही खानदान है वो उस पे कब्जा कर लेगा। स्विस लॉकर्स की बात की, इस पे भी फारूक साहब बात करेंगे। तन्वीर शाह साहब, जिस तरह से फारूक साहब ने कमेंट किया है कि पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए, तो आप एग्री करेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि गरीब मुल्क होते हैं, इनके तलोर हों, इनके हीरे हों, इनकी किताबें हों, इनके नवादरात हों, ये नॉर्मली लुट जाते हैं, बिक जाते हैं। मुझे तो ये दुख है, मैं बड़े दुखी दिल के साथ फारूक साहब से इत्तेफाक कर रहा हूँ कि हम अपने मुतबर्रक और मुकद्दस नवादरात की हिफाजत नहीं कर सके। हमें तुर्की से आने वाला हार जो है वो बजाय सही जगह पे जाने के उसकी हिफाजत नहीं कर सके, वो मुल्तान पहुँच गया। हम जो असासे जो बाहर के मुल्क तहफ देते हैं उनका हम जो हार करते हैं। देखिए, डेविड कैमरन को चाहती हूँ, अभी आपने जिस तरह से नवादरात की बात की है, तो गुज़श्ता रोज भी ये खबर सामने आई, जो बदीन में हमारा कदीम अजायब घर है उससे हजारों साल पुरानी चीजें चोरी हो गई, उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अब देखिए कि डेविड कैमरन को इंडिया ने कहा कि हमें ये हीरा वापस करो। ये हीरा, बाज़ लोगों और रिसर्चर्स का ख्याल है कि ये लाहौर से गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी तक जब ये पहुंचा पंजाब और पाकिस्तान, इसमें इसकी मलकियत जाहिर की गई है। अब उन्होंने इनकार कर दिया, इस अदालत के फैसले के साथ ये हीरा वापस नहीं आना। लेकिन चूंकि बरतानवी हुकूमत अल्ताफ हुसैन के मुकदमे में कुछ बातें नहीं मान रही थी, एक प्रोपोगंडा मटेरियल इसके साथ जो है वो हम बरतानिया के हवाले से कर सकेंगे इस केस को इनिशिएट करके। मैं ये समझता हूँ कि ये जो हीरा है इसको केस जिस तरीके से ये प्लीट किया गया, जिस वकील ने किया गया, उसकी एक खास किस्म की हिस्ट्री है, एक खास किस्म के मुकदमात करने की, तो इसको हमें एक खबर के तौर पे ही देखना चाहिए इसकी। देखे खबर है, मगर बड़ी दिलचस्प है। फारूक साहब, अभी आपने स्विस लॉकर से मुतालिक बात की थी, तो एक डायमंड से तो स्विट्जरलैंड में जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कोई अपडेट सामने, बिल्कुल हमें अपने व्यूज को ये बात बतानी चाहिए कि 1,17,000 पाउंड का डायमंड का सेट इस वक्त स्विस लॉकर में पड़ा है, और जिसके ऊपर आसिफ जरदारी साहब ने और भुट्टो फैमिली ने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वलदा बात है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जब वो एसटीएस को टेकने वाला केस स्विट्जरलैंड में किया था, तो उसमें उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ये भुट्टो खानदान ने वो ये खरीदा था लंदन के एक ज्वेलरी स्टोर से। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज जो है मैं जो बताना चाहता हूँ, पिछले साल मार्च में जनाब उनका जो स्विस प्रोसिक्यूटर है उसने पाकिस्तान को ये मैसेज पहुंचाया, और मेरे ख्याल इन राइटिंग में भी आ गया कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस डायमंड सेट को क्लेम नहीं करेगी, क्योंकि जरदारी साहब ने कहा हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर क्लेम नहीं करेगी तो हम एक साल बाद इस डायमंड सेट को ऑक्शन करेंगे, और फिर आधी जो अमाउंट है वो हम रखेंगे स्विस गवर्नमेंट, और आधा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देंगे, और वो एक साल खत्म हो रहा है अगले महीने मार्च 2016 में, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक कोई ऐसी हिलजुल नहीं की कि कहें जनाब ये हमारा पैसा डायमंड सेट है पूरा, ये लूटे हुए पैसे से खरीदा गया था। फारूक साहब, उसको ऑन करने से भी गवर्नमेंट इस वक्त डर रही है, और अब देखना ये कि क्या वाकई उस डायमंड सेट की ऑक्शन कर दी जाती है। मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा, हमारे बहुत से हीरे दियारे गैर में रुल रहे हैं,
या पाकिस्तान से हालात से तंग आके जा रहे हैं टैलेंट के, उन हीरो को भी वापस लाने की कोशिश करें तो वो चोरी हो जाती है। और बहुत सारी चीजें तो हमारे पास ऐसी भी है जिनका रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, चोरी हो गई है। और इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इसके साथ साथ आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं ट्विटर पर, और इसके साथ साथ फेसबुक पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।